हाय एवरीवन, नमस्ते। आई होप कि आप सब ठीक हो। आई नो इट्स बीन सो लॉन्ग जब से एक प्रॉपर व्लॉग आ रहा है। आई थिंक इट्स मोर देन 1.5 मंथ जब से मैं एक्चुअली शूट कर रही हूँ कुछ भी, बट काफ़ी सारी लाइफ अपडेट्स हैं देने को। एंड आई गेस जब ये व्लॉग आएगा उसके पहले एक लाइफ अपडेट वीडियो तो आना बनता है, तो मे बी वो आएगा। सो टुडे इज 1 जुलाई, इट्स माई बर्थडे मंथ ऑल्सो। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ अपने होम टाउन। मैं और मम्मी जा रहे हैं होम टाउन, दादी नहीं जा रही है बिकॉज इसके पहले लाइफ अपडेट आ जाएगा, तो दादी की अभी भी सर्जरी हुई है सो वो नहीं जा रही है। मैं और मम्मी जा रहे हैं 2-3 दिन के लिए, कुछ कुछ काम है और आज पूजा भी है, हमारे पहाड़ों में पूजा होती है तो वो पूजा है। सो या आई थॉट कि क्यों ना व्लॉग किया जाए। लास्ट टाइम जब मैं गई थी तो मैंने एक बहुत प्यारा व्लॉग बनाया था, बहुत अच्छा व्लॉग था वो। आई थिंक अगर वो व्लॉग अभी मेरे चैनल पे होता तो वो मेरे चैनल का मेरा फेवरेट व्लॉग होता, बट वो डिलीट हो गया था मुझसे। सो या स्टे ट्यून्ड, दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू वेयर। एंड अभी एक्चुअली मेरा पैकिंग भी नहीं हो रखा है, इस पर मैंने अपने स्लीपर्स रखे हैं एंड धान ये भी कुछ तो रखा है, पूरा पैक नहीं हुआ है। इस पर कपड़े रखे हैं बट अभी इस पर आयरन करनी है। यहाँ पे रखी है प्रेस लेकिन लाइट नहीं है, और इस पर कपड़े रखे हैं। ये थोड़ा सा मेरा स्किन केयर का किट एंड ऑल लाइक सनस्क्रीन, जॉनसन बेबी, मेरी स्क्रंची, लिप ग्लॉस, ये सब कुछ है। ऑलरेडी 11 और हमको 11:30 बजे तक निकलना है, बट अभी ये सब फटाफट पैक करती हूँ। ऑलमोस्ट पैक ही है, बस बैग में रखना है। ये सब पैक करती हूँ एंड ये सब पैक करने के बाद फिर चलते हैं। आई एम सो एक्साइटेड, सच्ची जाके मिलती हूँ। मैं और मम्मी चले गए थे, हमें बस मिल गई थी और फिर टाइम पे पहुँच भी गए थे। सो क्या हुआ कि हम लोग अभी कैची धाम के आसपास थे और मैं ना ऐसे ही मन में कुछ सोच रही थी एंड मैं ऐसे बोल रही थी कि भगवान जी मुझे एटलीस्ट कुछ तो साइन दो, मैं जो सोच रही हूँ कुछ तो मुझे साइन दो। और पता है क्या हुआ, आप देखो हम जा रहे थे एंड मैंने कभी आज तक ध्यान नहीं दिया, और जब मैं जा रही थी तो सडनली मेरी मंदिर की तरफ नज़र पड़ी और मैंने देखा कि रोड से ही मुझे वैष्णो माँ के दर्शन हो रहे, तो मेरा दिन बन गया था ऑनेस्टली। गाइस तो आधा रास्ता तो हम मतलब रोड पे पहुंच गए, अब यहाँ से 3-4 किलोमीटर का ट्रैक है एंड देन फिर पहुँच जाएंगे। हाय मम्मी। हमारे वहाँ जाने के लिए ना बहुत ट्रैक करना पड़ता है, इतना हम रोड से इतना आ गए थे। और मैं जूम करके आपको दिखाती हूँ कि मुझे कहाँ पहुँचना है, मतलब बहुत चलना पड़ता है। हम लोग 0.5 किलोमीटर भी नहीं चले और उसमें हमारी हालत ऐसी ख़राब हो गई है। तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया है कि हमें हमारे गांव का एक लड़का मिल गया, मतलब वो मेरे भाई के बराबर है, तो आधा सामान वो लेके जा रहे हैं। ये है खजूर और जिसके लीव से हम बनाते हैं झाड़ू, जिससे हम घर पर झाड़ू लगाते हैं। और ये रहे खजूर, बहुत टेस्टी होता है बट तोड़ नहीं सकते क्योंकि मैं नहीं चढ़ सकती इधर, यहाँ से गिर जाऊँगी तो फिर मिलूँगी नहीं। वैसे इतना चढ़ के ऊपर आई हूँ, वैसे ही इतना चढ़ना पड़ता है हमारे गांव जाने के लिए। और वो जो चढ़ाई है ना वो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, तो बीच बीच में हम 2-3 जगह पे यू नो रेस्ट ले के ही चलते हैं। तो ये था हमारा पहला रेस्टिंग पॉइंट, हमें एक मेरा भाई भी मिल गया था गांव का ही, तो थोड़ा सा सामान वो ले गया तो उतनी हेल्प हो गई। बैठ के पानी वानी पिया, थोड़ी ठंडी हवा ली, थोड़ी गप्पे मारी, थोड़ी इधर उधर की चुगली करी एंड उसके बाद फिर दोबारा से हमने अपना ट्रैक कंटिन्यू करा। ओके गाइस, ऑलमोस्ट रीच्ड होम। हालत ख़राब हो गया ऑनेस्टली। ये लोग जा रहे हैं आगे, ये हमारा एक मंदिर है एंड हम लोग वहाँ से आए हैं। इफ़ यू कैन सी, ये जो पुल दिख रहा है इतने ऊपर से इतना चढ़ के हम लोग यहाँ पहुँचे एंड इसके बाद भी है अभी 500 मीटर और चलना होगा बस। फाइनली रीच्ड होम। ये मम्मी ताला खोल रही है, पुस्तैनी ताला, दिखाना जरा, बहुत साल हो गए ना इसको। भगवान ये अम्मा आलू लगा के, आलू रखे थे, आलू रख के गई है एंड लहसुन रख के गई है और अम्मा दिखाया नहीं, शिट मिस हो गया। लाइट पोजीशन में चले आपको, कितने साल बाद घर आ रहे हो, मेरी मम्मी तो भूल गई है, उस साइड है। ये लट्ठा देखे तो कमी आ रहा है, आते ही पानी का जुगाड़ करते हुए उसमें पानी आ नहीं रहा। अब क्या करें, अब तो बिल्कुल ही बंद हो गया। ठीक है, इसी में आते हैं ना हम, दे
भाभी से पूछो, घर आते ही पानी की थोड़ी समस्या होगी क्योंकि हमारे पीछे पानी नहीं आ रहा है। सो अभी अभी फिलहाल भाभी के यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे से भर लेते हैं, फिर हमें सफाई भी करनी है अंदर और रात को पूजा भी है, देखती हूँ कैसे रहते हैं। एंड अभी मैं सोच रही हूँ कि हाउस टूर वीडियो भी बनाऊँ घर का, देखती हूँ। सो आज थी हमारे घर में पूजा, हम लोग पहुँचे ही 6 बजे के आसपास थे और 8 बजे से पूजा थी, तो मैंने और मम्मी ने डिसाइड किया कि हम पहले सफाई कर लेते हैं अंदर, क्योंकि हम लोग यहाँ रहते नहीं हैं तो बंद ही रहता है, मिट्टी के घर है, धूल भी हो जाती है। सो मैंने तो कपड़े चेंज नहीं किए, मम्मी ने चेंज किए, मुझे था कि अभी इन्हीं कपड़ों में काम कर लेती हूँ बिकॉज मैं इतने कपड़े लेके नहीं आई थी, फिर उसके बाद कल इनको धो दूँगी। तो मैंने अभी सफाई करी, वेल वैसे लिपाई करनी होती है, गोबर और लाल मिट्टी जो होती है उसका लेप बना के करनी होती है, बट अभी शाम को इतना टाइम नहीं था और शाम को करते भी नहीं है, तो फटाफट झाड़ू लगाया और जैसे जैसे साफ किया। सफाई तो डन, बट किस्मत इतनी ख़राब है, पानी भी चला गया, लाइट भी चली गई और यहाँ तो इन्वर्टर भी नहीं होते। अभी भाभी चाय बना रही है क्योंकि हम लोग को सब सेटल करने में टाइम लगेगा, एंड ऊपर से अम्मा सब कुछ ऐसे ही फैला के गई है, लहसुन आलू एंड ऑल, तो वो सब रखना पड़ेगा क्योंकि सांप कीड़ों का कुछ पता नहीं रहता है। मिलती थोड़ी देर में। पर इतने सारे पेड़ आ रखे हैं, इतने सारे आम आ रखे हैं हमारे पेड़ में, ये आम बहुत मीठा होता है एंड ये अचार ही आम है, ये ऐसे आ रखे हैं जैसे लीची के गुच्छे लगे हों, सी पूरे गांव वाले पे अचार डाल सकते हैं इससे, क्योंकि हमारा गांव ज़्यादा बड़ा है नहीं एक्चुअली, इतना बड़ा पेड़ है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक का आम से भरा पड़ा है। कहाँ है आंगनवाड़ी? आंगनवाड़ी कितना होता है? मम्मी माही तुम्हारे बाल तो ऐसे ही रह गए यार बेबी, ये है ना? मम्मा कहाँ है? मम्मा कहाँ, वहाँ कहाँ, क्या बोल रही है, कहाँ गई है? पानी छीर। अच्छा, और तुम्हारे भैया क्या कर रहे हैं? तुम अपनी अम्मा से बहुत लड़ती हो ना, झूठ मत बोलो। लड़ती हो, बुढ़िया अम्मा से भी लड़ती हो, अम्मा से भी लड़ती हो। ये दद्दा लड़ता है। दद्दा तो गंदा है, पर तुम तो अच्छी हो। लट्टू दीदी आएगी, तू मेरे को आवाज लगा देना। आपका कोई ये है? हाँ, कौन रहता है यहाँ? हम तो आज आए हैं, वैसे कौन रहता है? खट्टू चाचा। हाँ। संजू चाचा। हाँ, संजू चाचा तो यहाँ नहीं रहता। सचिन चाचा। हाँ, सचिन चाचा। हाँ। और? उसकी मम्मी। हाँ। बच इतने लोग रहते हैं? अच्छा, हमारे घर में रहते हैं ना। अच्छा, और बताओ। हाँ, तुमने क्या सोचा फिर? इसने हाथ से अपनी सीढ़ियों से इसको लगी थी? नहीं नहीं लगी होती तो रोता, फिर वो तो खेल रहा है, देख फुटबॉल लेके आ गया। ये आम नहीं खाए तुमने? नहीं, मैं नहीं खाता आम, कत्ते आम नहीं खाता। कत्ते आम नहीं खाता, मीठे आम खाते है? मेरा आम तो घर में। हाँ, तुम्हारा आम, तुम्हारे तो बहुत बड़े बड़े आम हो रखे हैं। हाँ। है ना, हमारे तो बहुत छोटू छोटू हो रखे हैं, अचार बनते हैं इनसे। अचार बनाते हो तुम? नहीं। अचार भी नहीं खाता? नहीं नहीं, नहीं। हेलो बोल दो। हेलो, कैसे हो आप? अरे इनसे बोलना है जो देख रहे हैं, हेलो बोलो। ये थी माही, इसकी बातें तो आपने सुनी ही होंगी, बट इससे बात करते करते भाभी चाय लेके आ गई थी, तो फटाफट मैंने और मम्मी ने चाय पी। वैसे मुझे चाय कॉफ़ी इतनी पसंद नहीं है, बट कभी कभी पी लेती हूँ। एंड चाय पीने के बाद फिर जल्दी जल्दी हमने पूजा करी, फिर क्योंकि गांव में भी पूजा थी। वेल, हमने पूजा करी ही थी कि मुझे मम्मी को पता चला जिस पूजा के लिए हम घर आए हैं वो पूजा हो गई है पोस्टपोन। आए तो हम 2 ही दिन के लिए थे, बट अभी ये पूजा के बाद ही जाएंगे। सो मम्मी जब तक बाहर सब सेटल कर रही थी, मैंने चूल्हा जलाया। चूल्हा जलाने के बाद भूख लग रही थी, तो हमने सोचा कि गैस पे ही सब्जी चढ़ा लेते हैं एंड रोटियां चूल्हे पे बना लेंगे, बिकॉज़ घर एक तो मिट्टी का है, ऊपर से लकड़ी की छत है, बहुत टाइम से बंद है, तो धुआं ना लगाना ही होता है, अदरवाइज़ तो गैस पे ही बना लेते और इंडक्शन उस पर बना सकते थे। तो गैस ना लीक कर रही थी, तो मम्मी ने थोड़ा उसको सही किया और उसके बाद मैंने सब्जी चढ़ाई। सब्जी चढ़ाने के बाद आती है रोटी बनाने की बारी, तो मैंने कपड़े चेंज नहीं किए, ऐसे ही मैंने बना लिया। एंड इट वॉज़ माई फर्स्ट टाइम कि मैं चूल्हे में रोटी बना रही हूँ। एक तो मैं गांव ही बहुत कम आती हूँ और अभी तो बहुत सालों बाद आ रही हूँ, तो कभी ऐसा मौका ही नहीं मिला कि चूल्हे पर बैठ के रोटी बनाऊँ। तो मैं पहले मैं खुद से ही बेल रही थी, बट देन मम्मी वॉज लाइक ऐसे तो घंटों लगा देगी, भूख लग रही है, तो मम्मी ने रोटी बेली और
मैंने बनाई रोटी चूल्हे पे, इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस आई वुड से, अच्छा लगा मुझे। थोड़ा धुआं आँखों में आता है बट हो जाता है, जितने देर आप बैठोगे तो आपको आदत हो जाएगी, सो इट वॉज गुड। खाना बनाने के बाद चेंज वेंज करके मैं और मम्मी बैठ जाते हैं खाने, क्योंकि इतनी ज़्यादा भूख लगी थी ना हम लोग, एक तो 11 बजे निकल गए थे तो काफ़ी ज़्यादा भूख लग गई थी, ऊपर से इतना चल के आए थे, सो टाइम पे खाना खा के फिर सोने चले गए। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर द डे। घर आके ना एक अलग सी वाइब होती है, अभी जस्ट डिनर हो रहा है एंड कल एकादशी है तो मम्मी का फास्ट है, कल शायद मंदिर भी जाएंगे हम अपने गाँव वाले मंदिर ही, तो अभी सोती हूँ। और आज तो बस ऐसे झाड़ू लगा दिया, कल लेपना भी पड़ेगा जिस पे काउडंग से और जो हमारे गांव की लाल वाली मिट्टी होती है उनका लेप बना के हम फर्श पे जैसे पोछा मारते हैं वैसे यहाँ पे लेपते हैं, तो वो करेंगे सुबह और फिर पूजा वगैरह, उसके मंदिर अंदर जाना तो पूरा दिन तो ऐसे ही चला जाएगा। आज जो पूजा थी ना वो एक्चुअली कैंसिल हो गया, अदरवाइज ये ब्लॉग और शायद थोड़ा लंबा होता, बट वो कैंसिल हो गई किसी रीज़न से और हम पूजा के लिए ही वैसे घर आए थे। बट अभी इससे पहले जब दादी आई थी कुछ कुछ चीज़ें खेत पर लगा के गई थी तो उसकी गुड़ाई वगैरह करके जाएंगे, तो अभी 2-3 दिन रह के ही जाएंगे, तो 2-3 दिन आपको कंटिन्यूअसली व्लॉग देखेंगे। आई थिंक दैट्स इट फॉर द डे, सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, एंड प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाय, हैव अ नाइस डे।